हेलो गाइस, कैसे हैं आप दोस्तों। हम बात करेंगे जवान मूवी के बारे में। जी हां दोस्तों, आज ये इसका डे 7। जी हां दोस्तों, कितना कमाने वाली है मूवी उसके बारे में बात करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो, ठीक है। तो बात करें कि इसने अभी तक हिंदी में कलेक्शन कितना कर लिया है उसके बारे में बात करेंगे, और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना हुआ ओवरसीज को मिला के। जी हां दोस्तों, हेटर लोग तो बहुत परेशान है भाई। हेटर लोग इतने पागल हो रखे हैं कि वीडियो बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई ये देखो ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है, ठीक है। इतनी हेट समझ में नहीं आता क्यों और कैसे। जब शाहरुख खान की मूवी आई थी रईस आई थी, ठीक है, और जब भी सैजल वो भी एक आई थी मूवी, ठीक है, और जो भी मूवी फ्लॉप हुई थी उनकी, उस वक़्त इन जो ये लोग जो वीडियो बना रहे हैं हेटर, उस वक़्त इन्होंने कुछ नहीं बोला कि कॉर्पोरेट बुकिंग है, कि ये बुकिंग है वो बुकिंग है। मगर अब जब पाके ही मूवी ब्लॉकबस्टर है, तब ये बोल रहे हैं कि ये मूवी कैसे सुपरहिट हो गई, मतलब ब्लॉकबस्टर शाहरुख खान कैसे हो गया इतनी हेट। तो बात करेंगे यार कि यार ये बिल्कुल गलत बात है। देखो सनी देओल की मूवी आई, किसी ने कुछ बोला नहीं भाई, बंदे ने जबरदस्त ब्लॉकबस्टर दिए, तो उसके बारे में कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि यार उसने कॉर्पोरेटर बुकिंग की है, पता नहीं ये बुकिंग की है, मतलब कहाँ से फेक कलेक्शन बताते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं लोग, कुछ भी। तो सनी देओल आए, ठीक है, उन्होंने गदर 2 ब्लॉकबस्टर दी, 500 करोड़ कलम में शामिल हुए, ठीक है। अब इनको हजम नहीं हो रहा कि गदर का रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो यार जो रिकॉर्ड बनते हैं वो टूटने के लिए ही बनते हैं, ऐसा नहीं कि एक रिकॉर्ड ऐसा ही रह जाएगा। जो शाहरुख खान ने रिकॉर्ड बनाया वो भी टूटेगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये रिकॉर्ड ऐसा ही रहेगा, सब टूटेंगे, जो भी बन रहे हैं सब टूटेंगे। तो बात करें हम हिंदी में इसने कितने कलेक्शन कर लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है डे में कितना कमाया, 2 में कितना कमाया, ठीक है, इसकी तो आपको मैं बताऊंगा ही नहीं। हिंदी में 6 दिन के अंदर 306 करोड़। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट बॉलीवुड मूवी है जिसने 6 दिन के अंदर 300 करोड़ के कलम में शामिल हुई है। और कुछ मूवी होती है जो यहाँ तक पहुँचना क्या पहुंच ही नहीं सकती। और मैं बात करूं यार, इसने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए, संजू जो भी आई थी, दंगल जो भी, कितने दिनों में उन्होंने 15-16 दिन में ऐसे कलेक्शन किए थे 300 करोड़, ठीक है। और जो जवान मूवी है उसने 6 दिन के अंदर सिर्फ धमाका तोड़ दिए सबके रिकॉर्ड। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फास्टेस्ट बॉलीवुड मूवी बन चुकी है 300 करोड़ में, जो 6 दिन के अंदर इसने कमाल किया है। और बात करें हम डे 7 में ये कितना कमाने वाली है, जी हाँ दोस्तों, उसकी बात करें तो जो मंडे को जो कलेक्शन आया था, ठीक है, डे 5 का, वो आया 30 करोड़ 50 लाख, ठीक है। और जो ट्यूसडे को आया है वो कलेक्शन है, मैं आपको बताऊं तो वो है 24 करोड़ 24 करोड़। आखिर गिरी है मूवी, मतलब आपको भी पता है कि जो वर्किंग डे होते हैं उसमें मूवी लोग कम देखते हैं, छुट्टी होगी तभी ये मूवी देखना। अब भी वीकडे आ रहे हैं, ये मूवी ऐसे एकदम ऊपर छाल मारेगी, मतलब मूवी बराबर है भी, ऐसा नहीं बोल सकते कि मूवी एकदम नीचे आई है, बहुत ही अच्छा है। 20 करोड़ अभी डे 7 में कमाना कितनी बड़ी बात है, क्योंकि बड़ी बड़ी इवेंट मूवी तक यहाँ पे कलेक्शन इतना नहीं करती है जो अपने डे 7 में कर रही है मूवी, ठीक है। तो डे 7 की बात करें, जहाँ तक मुझे अंदाजा है, जैसे मैं आपकी ऊपर देख रहा हूँ और जैसे मैंने जो भी प्रेडिक्ट किया है, मुझे लग रहा है 21 से 22 करोड़ ये कमा लेंगे। और हिंदी में ये 20 करोड़ ये कमा सकती है हिंदी में। और जो कलेक्शन आएंगे हमारे 1.5 करोड़ या 1 करोड़, वो साउथ इंडस्ट्री से आ जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब साउथ लैंग्वेज तेलुगु तमिल, इन दोनों में से 1.5 करोड़ आ सकते हैं, और 21-22 करोड़ ये कमा सकती है अपने डे 7 में। बस यही था। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया है, यहाँ पे एकदम रियल आपको डाटा मिलेगा, ऐसा नहीं कुछ फेक कुछ भी बोल रहा है, कुछ नहीं, एकदम आपको जेन्युइन, एकदम नॉर्मल और एकदम जैसा आप देख रहे हैं वैसा ही अपडेट मिलेगा, ऐसा नहीं है भाई अपनी तरफ से कुछ भी बोल दूँ, ठीक है। तो बस यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।